अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सारे लोग। वेलकम बैक टू अनदर GTA 5 मॉडिंग वीडियो। पुल अप ऑन यू लाइक एजेंसी देता असरात मनफी तुझ में डर है आई कैन सेंस इट लिफ्ट यू। तो गाइस यार, आज आपका भाई दोबारा से आ चुका है एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर और साथ में ब्रांड न्यू मोड लेकर। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि रिसेंटली आपके भाई ने जो मोड बनाया है जो है टोयोटा करोला 1977, जो मैंने फुल मॉडिफाई किया है, ठीक है। तो आज उसका मैं मोड लेके आ चुका हूँ। मैंने रिसेंटली मैंने पोस्ट लगाई थी क्या जो नेक्स्ट वीडियो हमारी किस पर है, जी मोडर की या मोड की। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट थे वो आए मोड की वीडियो में। तो इंशाल्लाह जो इसकी अगली वीडियो होगी वो भी जी मोडर की होगी, क्योंकि अदर लोगों ने मुझे कहा था कि जी मोडर की और कुछ ने कहा था कि आप मोड की लाओ। तो आज की वीडियो वो मोड पे आ रही है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो होगी वीडियो वो होगी जी मोडर, वो एक दो दिन में आ जाएगी या कल या परसों आ जाएगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हाउ टू मेक अ टेम्पलेट फॉर एनी कार एंड डिलीवरी। तो मिलना देरी के चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने जब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप लोगों को जल्दी से जाओ और फाइल को डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास जाकर फाइल आ जाएगी टोयोटा करोला 1977 मॉडिफाइड एंड साउंड। इसके साथ साउंड भी है, V8 इंजन का साउंड है इसके साथ, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था इस कार के साथ। तो आपने इसको ओपन करना है, तो आप जैसे आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जब आपका भाई जीशान दी गेम जो कोई मॉड बनाता है तो उसकी ओ आई फाइल ना बनाए ऐसा हो नहीं सकता। तो लाजमी आप लोग के भाई ने ओ आई फाइल बना दी है, तो आप लोगों ने अपना ओपन आईवी ओपन करना है। तो उसको अपने ड्रैग करना ड्रॉप करना, आपकी जो फाइल है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो हम करते हैं अपना ओपन आईवी ओपन, विंडोज़ पे क्लिक कर लेते हैं अपना। जैसे मैं एडिट मोड कर लेते हैं अपना, जाते हैं। आप लोगों ने अभी कुछ भी नहीं करना, और फर्स्ट ऑफ आप लोगों को ये याद रहना चाहिए कि आप लोग अगर टूर जाना है आपके जो टूल्स हैं वो अनेबल हों। जैसे कि मैं जाता हूँ, अगर आपके इंस्टॉल नहीं है तो क्या करना है, टूल में जाना है, ASI मैनेजर में जाना है। उसके बाद आप लोगों ने चेक करना है कि जो आपके जो 3 प्लगइन्स हैं ये इंस्टॉल हैं कि नहीं, अगर ये डिजेबल हैं या अनइंस्टॉल हैं तो आप लोगों को इंस्टॉल या इनेबल कर लेना है, ठीक है। तो ये लाजमी से कर लेना, इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ से करते हैं ड्रैग और यहाँ करते हैं ड्रॉप, इसको कर देते हैं इस तरह करके, और सामने कुछ जैसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। तो टोयोटा करोला 1977 मॉडिफाइड, तो इसे करते हैं हम इंस्टॉल मोड्स फोल्डर एंड इंस्टॉल। कुछ भी नहीं करना, आपके 2 मिनट भी नहीं लगने, आपकी कार जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। और इंजॉय करो, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जाओ जो जाके वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत से लोग हैं वीडियो को लाइक नहीं करते, लिंक लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये आपका हक बनता है, आप लोगों ने 100 लाइक करना है। और अभी तक चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। तो हम करते हैं क्लोज, बैक कर देते हैं, और जो हमारी गाड़ी है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं जाता हूँ अपनी गेम में और आपको गेम में दिखाता हूँ कि जो हमारी गाड़ी है उसको स्पॉन कैसे करना है और वो उसका साउंड भी कैसे आपको। ओके, तो गाइस यार आपके भाई की गेम ओपन हो चुकी है, तो माइकल हमारा रेडी है। तो हम आपको को बताता हूँ कि जो हमारी गाड़ी है जो कि है टोयोटा करोला 1977 फुली मॉडिफाइड बाय आपका भाई अपना जिशान दी गेमर, तो को कैसे स्पॉन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 तरीके होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि मेन्यू का होता है और एक होता है एडवांस मोनर। पहले मैं आप लोगों को मेन्यू से बता करके दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा एडवांस मोनर से। तो मेन्यू में जाना, लोगों ने जाना है F8 प्रेस करना है, 2 टाइम F8 प्रेस करना है। आ जाते हैं व्हीकल ऑप्शन, व्हीकल स्पॉनर, स्पॉन सेटिंग जाते हैं, प्री अपग्रेडेड अब ऑफ है। तो हम करते हैं इनपुट मॉडल, तुम्हारी अगर नाम लिखा हम लोग करोला ओला करोला 77। तो ओके गाइस यार, आप देख सकते हो जो हमारी गाड़ी है यहाँ पे स्पॉन हो चुकी है। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, अभी थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो साउंड मैं उसको पहले सुना देता हूँ, फिर उसको मॉडिफाई कर देता हूँ आपको। तो पहले मॉडिफाई करते हैं इसको, करते हैं फिर प्रेस करते हैं व्हीकल ऑप्शन, मैंने कस्टम व्हील में लगाए हुए पहले से, तो मैं खुद इसको इंस्टॉल कर लूँगा। ब्रेस सस्पेंशन थोड़ा आर्मर फुल, और इसका पेंट जो है वो पेंट मैं करूँगा ब्लैक। और आप लोगों को देखा होगा कि मैं पेंट करता हूँ उसमें तक कि ना थोड़ी सी शाइनिंग आती है रेड की है इस वजह की, तो वो कैसे करते हैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने मेरे सेकेंडरी ला रहा है वो होगा स्टेयरिंग व्हील अंदर वाला सारा, तो इसको हम करते हैं ब्लैक। तो वो मैं कैसे करता हूँ जाना है, ये जो पेपर लाइसेंस टू लिखा हुआ है आपने से जाना है और कर देना है यहाँ से सनराइज ऑरेंज जैसे देख सकते हो। अब ये जो आपको शाइन आएगी ना वो किसी और कलर में आएगी, तो हम इसको करते हैं, मैंने ये कर रखा हुआ था ब्राइट ऑरेंज में, जो अभी मेरी वीडियो जो रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया इसकी जो सिनेमैटिक्स थी उस पर। तो विंडोज़ को हम ब्लैक कर देते हैं, एक्सो लगा रहता है हमारा, 2 टर्बोज, न्यून लाइट्स और नोट पैड लगी हुई है कार में डैडी वाली, आप इसको लोग चेंज कर सकते हैं अपने YTD फाइल में जाकर। तो इसमें जब मैंने चेंजिंग की है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, और जो मॉडिफिकेशन वगैरह इस पर की हुई हैं। तो मैं तो पहले बताता हूँ,
सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि इसमें मैंने इंडिया पे अपडेटेशन किया है, फिर स्टैंडिंग लेवल में कर दिया है, स्टेयरिंग व्हील चेंज कर दिया है, उसके बाद जो इसके थे वाइट बॉडी लगा दी है, उसके बाद जो फ्रंट थी लाइट्स थी वो चेंज कर दी हैं, और जो ग्रिल थी वो ब्लैक कर दिया है, ठीक है। हाँ, फ्रंट पे लोकल का जो स्टिकर था वो लगा दिया है। उसके बाद जो हमारे पास बैक पे जाते हैं तो हमारे पास ये स्पॉलियर आ गया, और ये जो नीचे आप एग्जॉस्ट देख सकते हो जो कि वर्क कर रहा है, देख सकते हो आप लोग। उसके बाद मैं कौन से बहुत से मोटिवेशन लगा रखी है इसमें इंजन की तरफ से, तो आप देख सकते हो इसकी जो लाइट्स हैं एक्स्ट्रा लाइट देख सकते हो इस तरह। तो मोटिवेशन इसमें क्या करनी है, मैं इसका व्हील लगा देता हूँ, तो ये जैसे ये मैंने व्हील लगाया हुआ है इसको। तो अगर आप लोगों को ये व्हील चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, या आप लोग इस पर वोट करो, मैं इसकी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो रिम्स है कैसे इंस्टॉल करने हैं, काफ़ी अच्छे रिम्स हैं ये, ठीक है। तो फुली मैंने उसकी हैंडलिंग थी मैंने ड्रिफ्टिंग वाली कर दी है, ठीक है। तो अभी जैसे जब ड्रिफ्ट मतलब कि अच्छे ड्रिफ्ट करेगी है, तो अभी जैसे तो इसका मैं साउंड सुनाता हूँ आप लोगों को, तो फिर मैं इसको उतरता हूँ कार से, कार में दोबारा बैठ के दिखाता हूँ। साउंड देखना, ये साउंड है, कुछ बड़ा अच्छा सा साउंड है इसका, आप देखना जब मैं इसको थोड़ा सा एक्सीलरेशन कर दूंगा, थोड़े से भगा के दिखाता हूँ लोगों को मैं, तो टर्बो वाला साउंड देगा ये, देखना अभी। ओ ओ तो ओके गाइस, यार आज की वीडियो का मौजूद था हमारा वो मुकम्मल हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी जाकर वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और चैनल को ऊपर न्यू हो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कोई बात नहीं, अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे जिसमें मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, और जो आप लोगों को अगर ये व्हील चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।